नमस्कार दोस्तों, मैं नागनाथ सावंत, कंसर्ट फ्लूट मेकर, डोंबिवली मुंबई से। आज ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने की वजह यह है कि मैं चाहता था कि, और काफ़ी व्यूअर्स ने भी बताया कि अगर एक वीडियो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं जिसमें हमें ये जो फ्लूट है साइंटिफिकली कैसे बनाई जाती है, तो हमने सोचा कि हमने एक इस तरीके का वीडियो अगर हम बना के अब हमारे व्यूअर्स को के लिए सुविधा होती है तो हमने बनाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि एक फ्लूट जो 5000 सालों से परिचित है, जैसे ही फ्लूट का विषय आता है तो हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति याद आती है, श्री कृष्ण जी याद आते हैं। तो ये जो उनका प्यारा वाद्य है जो नेचुरल है, तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसके ये अगर फ्लूट बनानी है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या साधन होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, बांसुरी जो है वो बाम्बू की बनाई जाती है, ज़्यादा प्रचलित जो है वो बाम्बू की बांसुरी है। कोई लोग बनाते हैं मेटल की, कोई लोग बनाते हैं पीवीसी पाइप की, कोई वुड को काट के लेथ मशीन पे ग्रूव बना के उसकी भी फ्लूट बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लूट जो है, जो प्रचलित है दुनिया भर में, वो है बाम्बू की फ्लूट। वेरी नेचुरल और बजने के लिए बहुत सुंदर, उसकी जो खनक है उसके जैसी खनक आपको कोई दूसरे माध्यम से बनाई हुई फ्लूट में नहीं मिलेगी। तो आज बात करते हैं फ्लूट कैसे बनाई जाती है और उसके लिए क्या साधन सामग्री होती लगती है। सबसे पहले लगती है वो ज़रूरत है वो बाम्बू की। तो ये बाम्बू आपको भारत भर में दो जगह से मिलते हैं, साउथ से केरला की तरफ से और नॉर्थ की तरफ से, अगर आप सोचेंगे तो आसाम की तरफ से। आसाम के बाम्बू सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बांसुरी बनाने के लिए, क्योंकि उनकी जो गुणवत्ता है वो बांसुरी बनाने के लिए ज़्यादा अच्छी है। दो नॉट्स जो होते हैं, दो गार्ड जो होते हैं, उसके बीच का जो अंतर होता है वो सुनिश्चित करता है कि आपको कौन सी बांसुरी ये बाम्बू से बनाई जा सकती है। दूसरी चीज़ होती है, आपके पास औज़ार होने चाहिए, जैसे कि आपके पास ये कटिंग ब्लेड होना चाहिए। इससे बड़ा भी आता है लेकिन इससे काम चल जाता है। तीसरी बात होनी चाहिए ब्रश की, इससे भी लंबा अगर आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बाम्बू को अंदर से साफ करने के लिए मदद करेगी। आपके पास चाहिए गैस बर्नर, अभी गैस बर्नर तो मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊँगा, आपके पास हर एक घर में गैस बर्नर होता ही है तो वो होना चाहिए। आपके पास होनी चाहिए एक सीज़र, आपके पास होनी चाहिए एक पेंसिल मार्क करने के लिए, आपके पास होने चाहिए पॉलिश पेपर। ये अलग अलग नंबर के ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे जैसे आप बांसुरी बनाते आगे चलते हो वैसे अलग अलग नंबर के पेपर्स आपको लगेंगे। आपको लगेगी ये टेप, मेजरिंग टेप, अगर आपके पास कोई लंबी दूसरी टेप हो और आप उससे काम कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये वाली टेप का इस्तेमाल करता हूँ। इसके एक साइड में इंच होंगे और दूसरे साइड में एमएम में मेजरमेंट होगा, यानी सेंटीमीटर का भी डिवीज़न इसमें होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास होने चाहिए ये नोकीले खिले,
ये अलग अलग नंबर के होते हैं, ये होना आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप बांसुरी का छेद नहीं बना पाओगे। बांसुरी के बाम्बू जो होते हैं वो अलग अलग डायमीटर के होते हैं। भगवान ने बाम्बू तो बांसुरी के लिए केवल नहीं बनाए, तो वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो जानकार जो वो फसल में काम करते हैं वो जानते हैं उसकी कटाई कभी हो तो कितने डायमीटर के अंदाज से बाम्बू बांसुरी के लिए जो उपयुक्त हो वो मिल सकते हैं। तो वो अपने जंगल से, अपने कल्टीवेटेड फार्म से उसे काटते हैं, उनको स्पेसिफिक पीसेस में उनको कन्वर्ट करते हैं, उसे सुखाते हैं, पूरे ड्राई होने के बाद ही वो मार्केट में अवेलेबल करते हैं बांसुरी बनाने के लिए। तो सबसे बेस्ट बाम्बू जो होते हैं, जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ हमारी बांसुरी के लिए, कृष्णाई फ्लूट्स के लिए, वो आसाम सिलचर डिस्ट्रिक्ट से मंगाता हूँ। पीलीभीत से भी बाम्बू मिलते हैं। अगर आप ट्रायल के लिए कुछ बाम्बू रखना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अभी बाम्बू के जो डायमीटर होते हैं वो नक्की करते हैं कि किसमें से कौन सी बांसुरी आप बना पाओगे। ये सबसे मोटा बाम्बू जो मेरे पास है, इसकी लंबाई भी आप देख सकते हो कितनी है। दूसरा इससे थोड़ा सा छोटा ये है, ये बड़ा है डायमीटर में, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग बाम्बू के डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख पा रहे हो उससे छोटा ये है, इससे भी छोटे बाम्बू आते हैं जिससे और शार्प की टोन की फ्लूट बनाई जा सकती है। बाम्बू का डायमीटर जितना बड़ा उतना उससे गंभीर या बेस या बास सुर की बांसुरी बनाई जाती है ऐसे मोटे वाले बाम्बू से, और इससे छोटी तक चले जाएंगे, इससे भी छोटे तो और शार्प बनेगी। आपको कौन सी स्केल की बांसुरी बनानी है उस पर ये निर्भर करता है कि आपने कौन सी वाली, कितने डायमीटर वाला बाम्बू इस्तेमाल करना चाहिए। बाम्बू जब भी जंगल से काट के अपने पास आते हैं तो वो बिल्कुल ही जिसे आप कह सकते हो खूबसूरत है ऐसे नहीं होते, उसके ऊपर मिट्टी धूल बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको उसे साफ़ करना पड़ेगा, आपको उसे केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, आपको उसे अंदर से साफ़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने ब्रश बताया वैसे उसे अंदर से साफ़ करना पड़ेगा। अगर वो गांठ के साथ में आया हो, जैसे इस ये गांठ के साथ में है, इसे यहाँ गांठ है अगर आप देखते हो तो ये गांठ के यहाँ काटना पड़ेगा, फिर आपको साफ़ करना पड़ेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या आपका नेचर परफेक्शन की तरफ जाने की तैयारी रखता है। थोड़ी सी बांसुरी बनाते वक्त में थोड़ी सी गड़बड़ी पूरा आपका जो आपकी जो मेहनत है, आपके जो पैसे हैं, जो पैसे या वक्त आप लगाया है वो बर्बाद कर सकती है। बाहर से दिखता है कि चलो इसे छेद बनाया जाए, ये लाए जाए, इसे छेद बनाया जाए तो चलो हो गई बांसुरी, ऐसे नहीं होता। ये बड़ा ज़िम्मेदारी का और कुशलता से करने वाला काम है। आप जितना परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करोगे उतनी बेहतर आप बांसुरी बनाएंगे। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ दो दिन के लिए नहीं, ये आपका एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, तो आप बेहतर बांसुरी बना पाओगे। अगर आप कैजुअल हो तो वो बांसुरी अच्छी नहीं बनेगी, ये मेरा निजी तजुर्बा है। तो आपके लिए मैं आपको वापस दोहराता हूँ, आपके पास बाम्बू होने चाहिए, आपके पास पॉलिश पेपर होना चाहिए, आपके पास कटर होना चाहिए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास ब्रश होना चाहिए, आपके पास सीज़र होनी चाहिए, आपके पास नोकीले खिले होने चाहिए, आपके पास बर्नर गैस सिगड़ी होनी चाहिए, आपके पास लगन होनी चाहिए, आपके पास
मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास परफेक्शन की तरफ मुंह करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तो आप बेहतर बांसुरी बना सकते हो, आप बहुत खूबसूरत बांसुरी बना सकते हो। फिर बाद में चीज़ आती है उसकी थ्रेडिंग की, तो उसके थ्रेड्स होते हैं, अलग अलग कलर के थ्रेड्स आते हैं मार्केट में, आपका नज़रिया कैसे हो, आपको कैसे बांसुरी की थ्रेड बनानी है, वो सब आपकी मर्ज़ी है। थ्रेड सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए, कॉस्मेटिक ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होता है, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो दूसरा बेनिफिट है। बेसिक बेनिफिट ये है कि बांसुरी को वो मजबूती देता है, बाम्बू टेम्परेचर सेंसिटिव होता है तो उसको क्रैक जा सकता है, तो क्रैक न जाए, आपके हाथ से गिरेगा तो क्रैक नहीं जाना चाहिए, टेम्परेचर से भी वेरिएंस से भी उसको क्रैक नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ये थ्रेड बांधे जाते हैं और फिर वो उसको खूबसूरती बख्शाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हमने जो बेसिक जानकारी रखी है वो आपके साथ में रखिए, आपकी साधन सामग्री तैयार रखिए, अगर आपको बांसुरी बनानी है तो वो आगे कैसे बनती है मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, मैं उस वीडियो में आपको मेजरमेंट के साथ में एक बांसुरी बना के दिखा दूंगा, ताकि आपका हौसला और बढ़ जाए, आप और बांसुरियाँ बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो आज यहीं रुकते हैं, यहीं विराम करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9082350873। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।